गांधी जी ने खादी को हथियार के रूप में किया इस्तेमाल। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने किया मंडल स्तरीय खादी एवं ग्राम उद्योग प्रदर्शनी का उद्घाटन। खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की ओर से गुलाबी सर्दी के बीच सेंट जॉन्स चौराहा स्थित वैश्य बोर्डिंग हाउस में आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में मंडल स्तरीय खादी एवं ग्राम उद्योग प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। 22 दिसंबर तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में खादी के बने हैंडमेड कोट, हाफ जैकेट, साड़ी, बेडशीट समेत अनेक क्राफ्ट के उत्पादों के स्टॉल को कश्मीर, उत्तराखंड और यूपी के व्यापारियों ने लगाया है। मुख्य अतिथि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने फीता काटकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कश्मीर से आए एक दुकानदार ने सीएम योगी की तारीफ करते हुए डेवलपमेंट और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। कहा कि यूपी की कानून व्यवस्था काफी अच्छी है, उन्हें यहाँ पर डर नहीं लगता है। मैं ओपी चक, जिला ग्राम उद्योग अधिकारी। क्या कहना चाहेंगे प्रदर्शनी जो लगी है 15 दिवस? उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा प्रत्येक वर्ष हमारे यहाँ प्रदर्शनी लगती है। इसमें यूपी से ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ से हमारी स्टॉल आती ना हो, लेकिन इस साल क्या है कि एक ही डेट में कई स्टॉलें दुकानें लग रही हैं, इसलिए थोड़ी क्षमता कम हो गई। फिर भी 70 दुकानें हमारे यहाँ लगाई गई हैं। उत्पाद देखिए, माटी ग्लास लेके हाथ में हाथ से बने हुए ऊनी कंबल, जैकेट, अचार, मुरब्बा, हर टाइप का आपको हमारे यहाँ आइटम मिलेगा देखने को। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग विभाग के द्वारा आज यहाँ सेंट जॉन्स के इस फील्ड में खादी उत्पादों की ग्राम उद्योग की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें खादी उत्पाद, इसके अलावा शूज़ या यहाँ पर उत्पाद का प्रदर्शन किया गया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने इस देश की इकोनॉमी को बदलने का काम किया है। देश की खुशहाली का रास्ता यदि खेत खलिहान से जाता है, तो देश की खुशहाली का रास्ता जो है MSME से भी होकर के जाता है। गांधी ने खादी को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था। खादी बीच में बियॉन्ड अप्रोच हो गई थी, अब पुनः प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में खादी अप्रोचेबल है और लोग, किसान लोग अपने गाँव में इस प्रकार से उत्पाद करके अपनी इकोनॉमी को बदल रहे हैं। मैं आगरा के लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ पर आकर के अवलोकन करें और बहुत अच्छे उत्पाद, यही चीज़ें कनॉट प्लेस के शोरूम में अगर होती तो उनकी कीमत 10 गुनी होती है। बहुत रीजनेबल प्राइस पर यहाँ पर खादी उत्पाद और अन्य उत्पादों का प्रदर्शनी की गई है। मैं विभाग के अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं नीतू यादव, प्रबंधक जिला ग्राम उद्योग अधिकारी। ये हमारी 15 दिवसीय प्रदर्शनी है, जिसमें हमारी विभाग से जो योजनाएं में लोगों को ऋण वितरित किया जाता है, उनकी इकाइयों को यहाँ हम एक मार्केट दे रहे हैं, जिससे वो सामान जो बनाते हैं, जो ग्रामीण अंचल से लोग आते हैं और जो सामान वहाँ बनाते हैं, वो यहाँ पर अपना बिक्री कर सकें। इस बिक्री के लिए उन्हें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसमें हमारी सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना चलती है, जिसमें हम 50 लाख तक का ऋण प्रोवाइड कराते हैं और उस पर 35% और 25% की सब्सिडी देते हैं। शहर में 25% और ग्रामीण अंचल में 35%। कितने यहाँ पर स्टॉल्स लगे हैं? यहाँ लगभग 70 स्टॉल्स हैं, जो आपका आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, रूड़की और हापुड़, दूर दूर से हर जगह से आए हुए हैं। और लोगों का यहाँ पर प्रदर्शनी आमंत्रित करने के लिए किस तरह? आज प्रदर्शनी का उद्घाटन माननीय मंत्री जी एसपी सिंह बघेल जी द्वारा किया गया है और ये 15 दिन तक चलेगी। NABS द्वारा प्रमाणित मथुरा का पहला होलमियम लेजर सुविधा युक्त रोहित किडनी एंड स्टोन हॉस्पिटल, जहां होता है गुर्दे और गाल ब्लेंडर से जुड़ी हर समस्या का दूरबीन द्वारा इलाज, प्रोस्टेट पेशाब संबंधी समस्याओं का उचित इलाज, हर्निया, अपेंडिक्स एंड सेक्स संबंधित समस्याओं का विश्वसनीय इलाज। साथ ही हमारे यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस सहयोगी के रूप में मौजूद है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, ICICI लैम्बोर्ड, मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस और कैशलेस सुविधाओं के साथ आयुष्मान कार्ड के तहत फ्री ऑपरेशन की सुविधाएं मौजूद। गोवर्धन चौराहे के पास, दिल्ली आगरा हाईवे, मथुरा।